तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है फिलहाल आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। पसंद आया तो वीडियो को जरूर से दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो बात करने वाला अपने खंड को लेकर, तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि राजस्थान का चुनाव है और ऐसी आचार संहिता की डेट आ चुकी है। तो बता चलो कि आचार संहिता भाई लगने वाले है ना 10 अक्टूबर 2023 के दिन से राजस्थान में, जिसके बाद सभी तरह का इनॉग्रेशन, नए प्रोजेक्ट्स, नए ट्रेनों का विस्तार, सब कुछ जो है रोक दिया जाएगा। तो बता चलो कि इसको लेकर अब बात हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आचार संहिता लगने के पहले यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें ज़रूर से लोगों को दी जाएगी, क्योंकि देखिए चुनाव हैं और चुनाव के समय है दोस्तों ना, नई ट्रेनें मिलना, ट्रेनों की स्टॉपेज मिलना, ट्रेनों का विस्तार होना, नए रूट का ऐलान होना, सभी चीज़ें करवाई जाएगी। और इसी बीच में मेवाड़ वागड़ को भी कुछ महत्वपूर्ण रेल लाइन अवश्य जो है प्रोवाइड कराई जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण लाइन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ट्रेनों को जरूर दिया जाएगा। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, और अभी हमारे हाल ही में दोस्तों सामाजिक संगठन के जो लोग थे उन्होंने मुझे कॉल किया था, और इस लाइन के ऊपर यहाँ पर उनका कहना है कि हमारा भी जोर है कि जो चुनाव है दोस्तों उसके पहले पहले तक, मतलब आचार संहिता की अपडेट आने की थी बट अभी क्लियर हो चुका है 10 अक्टूबर को लगने वाला है। तो उनके पास बचता कितना दोस्तों, 1 महीने का समय बचता है, 1 महीना 10 दिन, तो उसके मध्य में अगर एक आध गाड़ी चल जाए तो काफ़ी बेटर है। हम उम्मीद करूँगा कि इस बीच में अगर गाड़ी चल जाए तो दोस्तों, एक तरह से क्या है कि आगे दिवाली है, अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर, नवंबर में दिवाली है, तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग जो है, बड़ा तबका जो है बम्बई की तरफ से, दिल्ली की तरफ से रवानगी करता है ना हमारे सेक्शन की तरफ में, तो उनके लिए तो देखिए एक तरह से तो आपने एक काम तो अच्छा किया है कि आपने इंदौर वाली गाड़ी चला दिए, और साथ ही साथ में एक चीज़ आपका बेटर था कि आपने जो है कोटा वगैरह के स्टूडेंट जो एक बड़ा वर्ग है, कोटा स्टूडेंट जो आना जाना करते थे, उनके लिए भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है कि कोटा सर्वा तो चलाई जा रही है। तो अभी से ही जो है इसकी बुकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस रूट पर, अभी अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो। उसी को देखते हुए यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आपको बम्बई की गाड़ी अवश्य प्रोवाइड कराई जाएगी। हालाँकि अब बम्बई की गाड़ी की बात आ रही है तो इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं होना चाहिए, आप दोनों जगह पर चला सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बेस्ट ऑप्शन दूँ तो बड़ी सादड़ी जैसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी सादड़ी से मावली कवर हो जाएगा, मावली से कवर हो जाएगा आपका उदयपुर, उदयपुर से आप डूंगरपुर हिम्मतनगर कवर करा लीजिए, सरवा कवर करा लीजिए, बाकी फिर सेक्शन से मैं अहमदाबाद होते हुए। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन का मसला है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक हुआ नहीं है तो आप भाई डीजे लगाकर चला सकते हैं। अभी वैसे भी भारत में कई सारे सेक्शन है, राजस्थान है, गुजरात के कौन सारे सेक्शन है जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है या अभी तक हुआ नहीं है, तो ऐसी जगह में जो है अभी भी जो गाड़ियाँ हैं ना डर रही है डीजल इंजन के साथ में, उनका बार बार लोको रिवर्सल जो है कराना पड़ता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन है कि रेलवे इसको जो है, इसका लोको रिवर्सल जो है अहमदाबाद में कराकर इसको आगे की तरफ बढ़वा सकता है। तो सबसे पहली बात तो वही हो गई, एक मैंने ऑप्शन दिया आपको मुंबई की। अब दूसरी बात आती है कि साउथ का जो बड़ा इंडस्ट्रियल हब है भाई, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, तो बेंगलोर और सिकंदराबाद की जो यहाँ का जो ट्रेनें हैं ना दोस्तों, तो अगर यशवंतपुरम हो गया, फिर सिकंदराबाद हो गया, उधर से बेंगलोर का बड़ा सेक्शन हो गया, तो इसके मध्य में एक आध गाड़ी मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक चाहे बेंगलोर का आप देखेंगे तो सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर रोज़गार और काम धंधे की जो है जाया करते थे। तो वैसे में भी दिवाली है और दिवाली को देखते हुए रेलवे ज़रूर इस रूट के लिए कुछ बड़ी सौगातें जो है जाहिर कर सकता है, क्योंकि चुनाव को ज़्यादा समय बचा नहीं है और अब जो है पूरी तरह से यहाँ पर सब चीज़ों को क्लोज कर दिया जाएगा 10 अक्टूबर के बाद में। तो उसके पहले अगर कोई ट्रेनें यहाँ पर दी जाए तो काफ़ी बेटर, चुनाव में कुछ फ़ायदा ज़रूर से देखने के लिए मिल सकता है। तो दो फिर मैंने दो ट्रेनें बताया, साथ में दिल्ली अगर कवर हो जाए तो काफ़ी बेटर है। तो और गुजरात से बड़ा वर्ग दोस्तों जो कि बॉर्डर से लगा हुआ है, जो कि समुद्री सीमा से लगता है ना, पोरबंदर हो गया, उधर का जो सेक्शन आता है ना फ्रेंड्स, भावनगर का जो सेक्शन है इस तरफ का, उन लोगों के लिए भी कुछ ज़रूर मांगूंगा कि उन लोगों के लिए कुछ ट्रेनें अवश्य इस रूट के लिए उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल आप लोगों का क्या सजेशन है, क्योंकि चुनाव हैं तो अमूनन सी बात होती है कि चुनाव के पहले भी काफ़ी सारे स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए जा रहे हैं, नई ट्रेनें चल रही है, विस्तार हो रहा है, तो अमूनन इस रूट पर भी चलना चाहिए। फिलहाल आपके ओपिनियन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। फिलहाल वीडियो के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।